بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तो गाइस आज हम करने वाले हैं कुर्ते की कटिंग. तो आइए हम आपको दिखाते हैं कुर्ते का नाप. ये कुर्ते का नाप है, लेंथ हमारी इसकी है 37.5, शोल्डर है 16.5, चेस्ट है 37, बेस्ट है 36 और हिप है 38, कॉलर है हमारा 15, स्लीव की आस्तीन की लेंथ है 21.5. तो आइए शुरू करते हैं इसकी कटिंग. सबसे पहले 1 इंची से ऊपर हटाकर मार्क लगाना है सीधा. इस मार्क से हमें कटिंग स्टार्ट करनी है. हमें लगाना है लेंथ का मार्क. लेंथ हमारी इसकी है 37.5, 1 इंच एक्स्ट्रा लगाना है इसमें. 37.5 + 1 38.5, तो हमको सीने का इसमें चौथा हिस्सा करना. सीना हमारा है 37, तो सीने का चौथा हमारा चौथा हिस्सा बना इसका 7.5 2 इंची. हम इसका शोल्डर डाउन करना है. यहाँ से दूसरा मार्क पेट का लगाना है हमें 16 इंची पर. यहीं से 7 इंची नीचे लगाना है हिप का. 16 7 23, इस मार्क को सीधे कर लेने हैं. और ये दामन का मार्क, इसको भी सीधा कर लेना. हमारे इसका शोल्डर हमारे इसका है 16.5 का हमको हाफ करना है. 8x होता, आधे इंच के इसमें दाब रखनी है सिलाई की. तो हमारा बना 8.5x होता. अब हमको मार्क लगाना सीने का. सीने को हमको 4 जगह डिवाइड करना है. 37 हमारा सीना है, इसका चौथा भाग बना 7.5 2 इंच. हमें इसमें लूजिंग और मार्जिंग दोनों रखनी है. ऐसे हमको नीचे पेट का लगाना है. पेट हमारा इसका 36 का चौथा भाग बना 9 इंच, 1.5 2 इंच, इसमें भी एक्स्ट्रा रखना है. ऐसे हमको हिप पे लगाना है. हिप हमारी 38, 38 का चौथा भाग बनना 9.5 2 इंच. हमें इसमें लूजिंग रखना है. ये जितना हमारा यहाँ है, यहाँ से हमको 1 इंची दामन एक्स्ट्रा रखना है. हमारा यहाँ पर 11.5, तो यहाँ हमको 1 इंची एक्स्ट्रा रखना है 12.5. ये हमारा नीचे का दामन आ गया. इस दामन को इस मार्क को सीधे कर लेने हैं. ये मार्क इस मार्क में ले लेना है. ये मार्क इस मार्क सीधा कर लेना है. जो हमने ये सीना का मार्क लगाया आराम होने से, हमको 1 इंच का मार्क में पीछे लगाना है आराम होने से चौराई के लिए. इस मार्क को हमें इस मार्क से मिला देना है. यहाँ से आराम की गोलाई निकाल लेनी है. तो हमको कॉलर का मार्क लगाना है. कॉलर है हमारे इसका 15, तो 15 को हमको 6 जगह डिवाइड करना है. तो इसका पहला भाग 2.5 इंच, 2.5 इंच हमें ऊपर से डाउन करना है. इस मार्क को सीधे कर देना है. इस मार्क को इस मार्क से मिला देना है. ये हमारे कुर्ते का मार्क लग चुके हैं. मेरे को इसी मार्क पर कटिंग करते हैं. ये हमारा फ्रंट कट चुका है. काटते हैं इसकी बैक. ये हमको इसी पर बिछाना है सेम सेम.
ये हमको इसी में घुसा देना है, इधर बराबर रखना है कपड़ा। यहाँ से हमको 2.25 इंची शोल्डर ज्यादा रखना है और इधर से हमको 2.5 इंची ज्यादा रखना है। अब हमको यहाँ पे ये शोल्डर जो हमने ये शोल्डर का मार्क लगाया है इस मार्क को हम सीधा कर लेते हैं, इस मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। ये हमारा शोल्डर है, हमको शोल्डर नापना है। हमारे इधर बैठा है कौन इनो, हमारा शोल्डर जो है इसका 16 है, 16 ही नापना है हमको। 16 का बना 8 इंच का मार्जिन और यहाँ से हमको ये 7 इंच नीचे डाउन करना है, 7 इंच सीधा डाउन करना है। जितना हमें यहाँ मार्क लगाया है 2.5 इंच का, तो हमको यहाँ 2.75 लगाना है। मार्क को ही हमको सीधा कर लेना है, गोलाई निकाल लेंगे। तो इस मार्क को हमें और यहाँ से हमको ये 1/2 इंच मार्क ज्यादा लगाना है बैक की लूजिंग के लिए। इस मार्क को हमको इस मार्क से मिला लेना है, तो ये मार्क हमको सीधे कर लेना है और इस मार्क से हमको ये मार्क मिला देना है। तो हमने देख सकते हमने जो 1/2 इंच डाउन करा था, 1/2 इंच हमको ये डाउन कर देना है। यहाँ से इस मार्क हमको इस मार्क पर ये मिला देना है। हमने 2.25 इंची उठाया था, तो हमको ये 2.25 इंची इस मार्क से हमको इस मार्क पर ये मार्क सीधा कर देने हैं। ये हमारे बैक के मार्क लग चुके हैं, तो हम इस मार्क पे कटिंग करते हैं। ये हमारा फ्रंट बैक कट चुका है, अब हम काटते हैं इसकी आरसी में। काटते हैं, सबसे पहले हमको बड़े मार्क लगाना है 1/2 इंच हटा के। अब हमको इसकी आरसी की लेंथ नापनी है, हम 21.5 लेंथ है हमारी। यहाँ से हमको 21.5 1/2 इंच का मार्क रखना है इसमें। 21.5 1/2 इंच हो गई हमारी, 2.25 हमको 2.25 से मार्क लगा देना है। यहाँ से हमको 2.25 इंच की कप लगाएंगे, 2.25 इंच कम कर देना है और यहाँ से हमको 3 इंच का मार्क लगाना है इसकी डाउन डाउन डाउनिंग के लिए। इस मार्क को पहले सीधा कर देते हैं। अब हमको आरामों रखना है, आराम से रखना है। सीने का चौथा हिस्से से 33 सीना है हमारा, तो 33 का चौथा भाग बना हमारा 7 हो, तो हमको ये 7 हो पे मार्क लगा देना है। और अब हमको मार्क लगाना है कफ का, कफ हम लगाएंगे इसमें 9 इंची के, तो 9 इंची का हमको आधा करना है, 4.5 आधे इंच हमें एक करना है इसमें प्लेट का और दबाव का, तो बंदे हमारे 5। इस मार्क को हमको इस मार्क से मिला देना है, ये देते हुए ये इस मार्क को ये इस मार्क से मिला देना है और ये मार्क हमको सीधा कर लेना है। यहाँ से 3 इंची हटा के इसकी राउंडिंग दे देनी है आस्तीन की। आस्तीन की हवाई को इस मार्क को कटिंग कर देनी है। यही टाइम हमको कटिंग कर देनी है। एक हमको इसके सेंटर पे मार्क लगा देना है।
अभी एक हिस्से हमको ये खोल देना है और एक हिस्से में हमको ये गड्ढा निकाल देना है फ्रंट के लिए। फ्रंट जो हमारा होता है थोड़ा फिटिंग में आता है, मार्क लगा दिया है, ये हमको गोलाई निकाल देनी है। ये देखिए हमारी आस्तीन कट चुकी है, ये हम आते हैं हमको इसकी दूसरी काटनी है।